दोस्तों 2015 में एक ऑप्शन ट्रेडर ने सिर्फ 28 मिनट में 2.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 18 करोड़ रुपए कमाए थे। ऑप्शन ट्रेडिंग से 18 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने ये पैसा कमाया था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दरअसल 28 मार्च 2015 को डैना मैटियोली, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंटेल इज इन टॉक्स टू बाय ऑल्टेरा, यानी इंटेल की ऑल्टेरा कंपनी को बाय करने के लिए बातचीत चल रही है। इस ट्वीट के जस्ट एक सेकंड बाद ही एक ऑप्शन ट्रेडर जिसका नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उसने 0.35 डॉलर के रेट पर ऑल्टेरा का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर लिया। और सिर्फ 28 मिनट बाद जब उस ऑप्शन की प्राइस 8.5 डॉलर पहुंच गई तब उसने उसे सेल कर दिया और ऐसे उसने 2.4 मिलियन डॉलर कमाए। बट मेन पॉइंट यह है कि कोई सिर्फ एक सेकंड में ही ट्रेड कैसे ले सकता है। हम तो सोचने में ही 2-4 मिनट निकाल देते हैं, और अगर सोचने के टाइम को ऐड ना भी करें तब भी जब हम स्टॉक बाय करते हैं या कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्वांटिटी डालते हैं, फिर बाय पे क्लिक करते हैं, फिर कंफर्म बाय पे क्लिक करते हैं, तो इसमें भी 35-40 सेकंड तो जाएंगे ही। तो फिर एक सेकंड में उसने ट्रेड कैसे लिया? यानी एक सेकंड में मैनुअली ट्रेड लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ये किया जा सकता है, और उस ऑप्शन ट्रेडर ने एल्गो ट्रेडिंग का ही यूज किया था। तो चलिए आज की वीडियो में एल्गो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग दो वर्ड से बना है। एल्गो यानी एल्गोरिदम, मतलब किसी सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना। जैसे 2+2 भी एक एल्गोरिदम है, और जब इन रूल्स का यूज करके हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसे एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है। एल्गो ट्रेडिंग में टाइम, प्राइस और वॉल्यूम जैसे वेरिएबल्स के बेसिस पर एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करके कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है और इसका यूज करके ट्रेडिंग की जाती है। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, इसे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक प्रोग्राम बना कैसे है ये समझने से ज्यादा जरूरी है कि उस प्रोग्राम का यूज क्या है और कैसे उसका यूज करना है। तो ये जो एल्गोरिदम होते हैं यानी जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, इनका यूज करके जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं इसे एल्गो ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि इसमें आप स्पीड से ट्रेड ले सकते हैं, जैसे उस ऑप्शन ट्रेडर ने सिर्फ एक ही सेकंड में ट्रेड ले लिया था। और दूसरा, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, जिससे जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक भी पैसा ऊपर नीचे होने से उनका लाखों करोड़ों का लॉस हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या ये जो हेज फंड्स होते हैं, ये हमारी तरह मैनुअली ट्रेड लेते हैं? नहीं, इनके पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस की जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए मैनुअली ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो एल्गोरिदम्स का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आप ये लॉजिक रखते हैं कि जब भी किसी स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज उसके 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो उसकी 100 यूनिट्स बाय करनी है। तो जब भी ऐसा होगा तब आपकी 100 यूनिट विद इन अ सेकंड ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगी। इसमें एक्यूरेसी भी होगी और स्पीड भी होगी। तो जब हम ऐसे रूल्स बना लेते हैं तो ये होते हैं एल्गोरिदम, और इन रूल्स के बेसिस पर ही एल्गो ट्रेडिंग काम करती है। अब इसकी लीगैलिटी की बात करें तो इंडिया में एल्गो ट्रेडिंग कम्प्लीटली लीगल है और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड भी है। सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग 2008 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब सिर्फ इंस्टीट्यूशन से इसके थ्रू ट्रेड करते थे, बट 2016 से इसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खोल दिया गया है, और आज मार्केट में 50% से ज्यादा लिक्विडिटी एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ही आती है, बट यूएसए में ये नंबर 70% है। अब लीगैलिटी की बात हो गई है तो इसका यूज कैसे करना है वो जानते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पर ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन के अलावा बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपना एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि एपीआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एंजल वन तो ये सर्विस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। वैसे अगर आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ेरोधा या अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब मान लेते हैं कि आप एंजल वन के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एंजल वन की स्मार्ट एपीआई वेबसाइट में साइन अप करना होगा। साइन अप का प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसके बाद आपको क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करना होगा। वहां पर आप ट्रेडिंग एपीआई को चूज कर सकते हैं। इसके बाद जब बाकी डिटेल्स फिल करके आप क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। इसको फर्दर आप अपने ऐप या MT4 सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोडिंग की नॉलेज चाहिए होगी या फिर आप किसी कोडर की भी हेल्प ले सकते हैं। अब आपको एल्गो ट्रेडिंग यूज करने का प्रोसेस समझ आ चुका है, तो इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी जान लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज फ्रेम की जाती हैं। इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स, वॉल्यूम और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शन में ट्रेड की जाती है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। इस मेथड को जनरली हेज फंड्स यूज करते हैं, तो अगर हम इसे सही तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएं तो हमारी कैपिटल भी उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशंस के फंड फ्लो कर रहे हैं, जो कि काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। वैसे मोमेंटम ट्रेडिंग भी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का ही तरीका है, आप चाहें तो उस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। दूसरी स्ट्रेटजी में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो जब भी कोई स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में इंक्लूड होता है तो इससे उस स्टॉक के पास इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स की कैपिटल आती है। तो अगर कोई स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड या एक्सक्लूड हो रहा है तो आप इंक्लूड होने वाले स्टॉक में बुलिश पोजीशन और एक्सक्लूड होने वाले स्टॉक में बियरिश पोजीशन बना सकते हैं और इसका भी एक एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी है मीन रिवर्जन। लॉ ऑफ मीन रिवर्जन एक मैथमेटिकल मॉडल है। स्टॉक मार्केट की टर्म में आपको ये लॉ समझाऊं तो इसका कहना है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है और जो चीज नीचे है वो कभी ना कभी ऊपर भी जाती है। तो अगर एक स्टॉक की प्राइस अपने एवरेज प्राइस से नीचे है तो उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, और अगर एक स्टॉक की प्राइस अपने एवरेज प्राइस से ऊपर है तो उसकी प्राइस नीचे आ सकती है। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और फोर्थ स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग। आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉक की जो बाय प्राइस है और जो आस्क प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप इस डिफरेंस का फायदा उठाकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट क्योंकि ये ट्रेड्स कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक ही लास्ट करते हैं, यानी ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। एक्सचेंज लेवल पर ऑर्डर्स तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब बिड प्राइस और आस्क प्राइस मैच होती है, तो इनका जो माइन्यूट डिफरेंस है ना, इसका यूज करके ही स्कैल्पिंग की जाती है। तो दोस्तों, आप इन स्ट्रेटजीज का यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या फिर आप थोड़ी बहुत कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो फिलहाल आपको एल्गो ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नो डाउट अगर आप कोई अच्छा एल्गोरिदम बनाते हैं तो इससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा इसका पहला फायदा यह है कि इसके थ्रू जो ट्रेड प्लेस किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड्स हैं ये ह्यूमंस नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम प्लेस कर रहे हैं, तो इनकी एक्यूरेसी हमेशा हाई होती है जो कि ह्यूमंस मैच नहीं कर सकते। दूसरा, इससे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तीसरा, इसमें कोई भी ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो जो आप अपने लॉस को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को पीछे कर देते थे ना, वो गलती भी यहाँ पर नहीं होगी, तो आप इमोशंस के चक्कर में अपने ट्रेड को खराब नहीं करेंगे। और चौथा, एल्गो ट्रेडिंग से कई सारी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट किया जा सकता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज कितनी फ्रूटफुल है, और उसके बेसिस पर एल्गोरिदम बनाकर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कई बार टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके अलावा, क्योंकि ये मैथमेटिकल और हिस्टोरिकल डेटा पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर मार्केट में कोई बड़ा चेंज होता है जिससे शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे हो सकती है, तो इससे ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिससे भी आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि आजकल मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना API प्लेटफॉर्म बनाकर ये प्रॉमिस करते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत हाई रिटर्न्स दे सकती है। इवन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के बढ़ते नंबर को देखकर सेबी ने दिसंबर 2021 में कहा था कि सारे API प्लेटफॉर्म्स को सेबी से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग अभी रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, तो लोगों को उन पर भरोसा भी हो सकता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो अपनी तरफ से ड्यू डिलीजेंस जरूर रखें कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सेफ और रेगुलेटेड है या फिर नहीं। तो फाइनली दोस्तों, भले ही एल्गो ट्रेडिंग अभी रिटेलर्स के लिए एक नया कंसेप्ट है, बट धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, और क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग API प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें पहले से ही स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड हैं, तो इससे इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। पर अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाकर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको या तो कोडिंग आनी चाहिए या फिर आपको डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉस्टली भी है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे तो इससे कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कम हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल अभी ऐसा लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग इज द फ्यूचर।
मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।